मैं आपको प्रथम प्रश्न पत्र और द्वितीय प्रश्न पत्र दोनों का सिलेबस बताऊंगा। इसके पश्चात आपको ये भी बताऊंगा कि आपको कौन कौन सी बुक्स को प्रेफर करना है ताकि आप अपनी परीक्षा को क्रैक कर सके, ठीक है। इसी के साथ आपको अपने विषय में बता दूं, मेरा 2 बार नेट हो चुका है, इसी के साथ सेट भी क्लियर है और GRF भी क्लियर है, तो इसलिए मैं आपको थोड़ी गाइडेंस दे सकता हूँ कि आप किन किन बुक्स को प्रेफर करो जिससे आपको लाभ मिल सके। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले हम डिस्कस करेंगे अपना जो हिंदी का पाठ्यक्रम होता है उसके बारे में, ठीक है ना। इसमें कितनी यूनिट है और कौन कौन सी यूनिट में क्या दिया है। तो देखिए, जो इकाई 1 है इसमें हमें दिया होता है हिंदी भाषा और उसके विकास के बारे में, इकाई 1 ये है। फिर है इकाई 2, इसमें हिंदी भाषा यह हिंदी साहित्य का इतिहास, तो इकाई 2 हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित है। काफ़ी बड़ी इकाई है ये भी। इसके पश्चात आगे है इकाई 3, इसमें साहित्य शास्त्र या भारतीय काव्यशास्त्र जमा पाश्चात्य काव्यशास्त्र, ये दोनों इस यूनिट में दिया होता है, ठीक है ना। साहित्य शास्त्र के अंतर्गत ये आता है। इकाई 4 में है वैचारिक पृष्ठभूमि, ये नई यूनिट है, काफ़ी नई, इसमें काफ़ी अलग अलग प्रश्न पूछे जाते हैं, पहले के अकॉर्डिंग ये यूनिट नहीं है। पहले से मेरा तात्पर्य है, जब शुरू शुरू में एंटी नेट का पेपर कंडक्ट होता था उसमें वैचारिक पृष्ठभूमि के प्रश्न नहीं आते थे, अब आने स्टार्ट हो गए हैं। आगे है इकाई 5, इसमें हिंदी कविता है, ये देखिए हिंदी कविता यहाँ पर बताइए कौन कौन सी हैं। इसी के साथ अगर आपको ये जो सिलेबस चाहिए होगा तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जाइए, वहाँ पर मैं इसे सेंड कर दूँगा, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसके पश्चात है इकाई 6, जो इकाई 6 है ये हिंदी उपन्यास से संबंधित है, तो यहाँ पर कुछ एक उपन्यास दिए हैं, इनके नाम भी आप दे सकते हैं। इसके पश्चात आगे है हिंदी उपन्यास हमारे हो गए, अब आगे है इकाई 7, इसमें हिंदी कहानी के बारे में बताया गया है, कौन कौन सी कहानियाँ लगी हैं हिंदी में उसके बारे में यहाँ पर संपूर्ण जानकारी दी है, इन्हें हमने पढ़ना है। फिर है इकाई 8, इसमें हिंदी नाटक के बारे में दिया गया है। आगे है इकाई 10, इसमें आत्मकथा, जीवनी तथा अन्य गद्य विधाएं इसमें दी हुई हैं। इसके पश्चात मैं आपको प्रथम प्रश्न पत्र का सिलेबस भी दिखा देता हूं। ये देखिए, ये है प्रथम प्रश्न पत्र का पाठ्यक्रम या सिलेबस, इसमें भी आपको 10 यूनिट ही देखने को मिलेंगी, ठीक है ना। तो चलिए मैं दिखा देता हूँ, ये देखिए, ये पहला जो इकाई है इसमें ये है शिक्षण अभिवृत्ति, इसमें शिक्षण से संबंधित आपको जानकारी मिलेगी और आपने शिक्षण से संबंधित ही इसमें पढ़ना है। तो ये जो प्रथम प्रश्न पत्र है इसका भी आपको PDF हमारे टेलीग्राम चैनल में ही मिल जाएगा। ये देखिए इकाई 2, ये शोध अभिवृत्ति से है, रिसर्च एप्टीट्यूड से। और जो इकाई 3 है ये है बोध से, यहाँ पर आपको गद्यांश दिए जाएंगे और गद्यांश से यहाँ पर प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर इकाई 4 की बात करें, ये संप्रेषण कम्युनिकेशन से संबंधित है। आगे इकाई 5 है गणितीय तर्क और अभिवृत्ति। इकाई 6 की बात करें तो ये युक्ति युक्त तर्क है। इकाई 7 है आंकड़ों की व्याख्या, या DI भी आप इसे कह सकते हैं। अगला है इकाई 8, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी या ICT। इकाई 9 है लोक विकास और पर्यावरण, ये इकाई 9 है, आप इसे शॉर्ट में एनवायरनमेंट भी कह सकते हैं। और जो इकाई 10 है ये उच्च शिक्षा प्रणाली से संबंधित रहेगी, तो यहाँ पर देखिए थोड़ी टिप्पणी भी की गई है, प्रत्येक यूनिट से 2-2 प्रश्नों वाले 5 प्रश्न तैयार किए जाएंगे। यदि दृष्टिवान विद्यार्थी के लिए ग्राफ चित्र वाले प्रश्न तैयार किए जाते हैं तो दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए उतने ही अंकों वाले प्रश्नों के अवतरण दिए जाएंगे, तो ये कुछ यहाँ पर टिप्पणी भी की है। इसी के साथ अब यहाँ पर आपको बता देता हूँ, फर्स्ट पेपर ले लो चाहे सेकंड पेपर ले लो, तो कोई भी ऐसी पुस्तक अभी तक नहीं आई है जिसमें आपको पूरा सिलेबस कवर मिलेगा। आपको पूरा सिलेबस कवर करने के लिए या तो थोड़ी थोड़ी बुक्स प्रेफर करनी चाहिए, नहीं तो फिर आपको गूगल से भी सहायता लेनी चाहिए। इसी के साथ आप यूट्यूब
से भी सहायता ले सकते हो। आपने जैसे देखिए यहाँ पर उच्च शिक्षा प्रणाली दी है, तो आपने उच्च शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत आपने YouTube में सर्च करना है उच्च अधिगम संस्थाएं और प्राचीन भारत में शिक्षा। इस तरह से आप YouTube का सहारा लेकर अपने पूरे सिलेबस को कवर कर सकते हैं। इसी के साथ कुछ एक पुस्तकें मैं आपको रेफ़र करूँगा जिन्हें मैंने खुद फॉलो किया था अपने JRF क्रैक करने के समय, तो मैं चाहूँगा आप भी उन्हें एक बार देखिएगा, ठीक है ना। चलिए अब आपको पुस्तकों की ओर ले जाता हूँ। नेट हिंदी की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपके पास ये पुस्तक होनी ही चाहिए, जिसे कह सकते हैं हिंदी साहित्य का रीढ़। ये पुस्तक के बिना आप तैयारी नहीं कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण पुस्तक है ये। यह हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की ये पुस्तक है, तो ये आप क्या सुननी चाहिए, ठीक है ना। फिर आगे बात करें हिंदी साहित्य का सरल इतिहास, ये विश्वनाथ त्रिपाठी जी की पुस्तक है। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल पर ही आधारित है, पर ये काफ़ी शॉर्ट है, काफ़ी छोटी सी है बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। अब आगे है हिंदी साहित्य का इतिहास, इसके जो संपादक हैं डॉक्टर नगेंद्र और डॉक्टर हरदयाल सिंह हैं, ये दोनों इसके संपादक हैं डॉक्टर नगेंद्र और डॉक्टर हरदयाल। जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास है इसमें छायावाद तक ही वर्णन किया गया है। उसके पश्चात अगर आपको आगे कोई पुस्तक रेफ़र करनी है तो आप इस पुस्तक को भी रेफ़र कर सकते हो, इसमें बाकी भी बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करा है, ठीक है ना। हमने इस पुस्तक को बहुत अच्छे से पढ़ा था अपने समय में, तो हमें काफ़ी मदद मिली थी एग्ज़ाम को पास करने के लिए, तो मैं भी चाहूँगा कि आप इसे भी पढ़ें, बहुत अच्छी पुस्तक है ये वाली भी। इसी के साथ अगर हो सकता है तो हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास है बच्चन सिंह का, उसे भी आप ले सकते हैं और उसे भी पढ़ सकते हैं, वो भी काफ़ी अच्छी पुस्तक है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये पुस्तक भी। इसके जो राइटर हैं ये हैं सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे। अगर आपको इस नाम से ये पुस्तक ना मिले तो आप राइटर का नाम सीधे बता देना सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे। ये पुस्तक भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसमें काफ़ी ज़्यादा तथ्य आपके समक्ष प्रस्तुत किए गए हैं। अगली जो महत्वपूर्ण पुस्तक रहेगी दृष्टि की रहेगी, ये देखिए एंटी नेट के नए पाठ्यक्रम से आधारित ये पुस्तक है। इसमें भी आपको काफ़ी समरी या सार मिलेगा जिससे आपको एक समझ मिल जाएगी परीक्षा के पैटर्न के बारे में। इसके पश्चात इसी तरह नए पाठ्यक्रम की एक और पुस्तक है एंटी नेट UGC, ये किसकी है, ये अरिहंत पब्लिकेशन की है, तो आप इसे भी प्रेफर कर सकते हो। इसके पश्चात किसी भी परीक्षा को हल करने की जो सबसे महत्वपूर्ण रणनीति होती है तो वो होती है किसी भी परीक्षा के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना। तो यहाँ पर ये देखिए एंटी नेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है हिंदी के, आपको ये भी लेने हैं क्योंकि यहाँ से आपको एक इसके पैटर्न के बारे में पता चलता है आपको किस तरह तैयारी करनी है, किन किन यूनिट को पढ़ना है और किन को छोड़ना है, तो ये भी आपने अवश्य पुस्तक लेनी है। फिर अगर हम बात करें प्रथम प्रश्न पत्र की, तो यहाँ पर देखिए ये पियर्सन वालों जो पियर्सन पब्लिकेशन है इनकी है शिक्षण एवं शोध अभियोग्यता। इसमें आपको 10 की 10 यूनिट कवर मिल जाएंगी और इसके जो राइटर हैं KVS मदान, ये भी बहुत अच्छी पुस्तक है, आप इसे भी रेफर कर सकते हैं। फिर इसी के साथ आपको ये भी बता देता हूँ आप हमारे YouTube चैनल के साथ जुड़े रहिए, यहाँ पर आपको समय समय में हिंदी साहित्य की अत्यधिक महत्वपूर्ण वीडियोज़ मिलती रहती हैं जो आपको सिर्फ किसी एक परीक्षा तक सीमित नहीं रखती है अपितु काफ़ी वाइड होता है हिंदी साहित्य, ठीक है ना। इसलिए आपको हमारे चैनल के साथ जुड़े रहना है, यहाँ पर आपको वीडियोज़ मिलती रहती है। अगर आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहते हैं तो लगभग 40 से 50% इतना कवर हम हिंदी साहित्य कर लेते हैं। मेरी सोच है कि जल्द ही मैं आपके लिए NTA नेट की तैयारी भी करवाऊँ, देखिए क्या होता है, आपको यहाँ पर वीडियोज़ मिलती रहेंगी, जुड़िए। NTA नेट हिंदी में जो आपको नया पाठ्यक्रम लगा है उसे आपने गूगल और हमारे टेलीग्राम ग्रुप में सर्च करना है, वहाँ पर आपको ये सब उपलब्ध हो जाएगा। ये सब आपको पढ़ना अति आवश्यक है, इसके बिना काम नहीं चलेगा, इसे अवश्य पढ़िएगा।